होगी कि इस प्रेजेंटेशन में ऐसा है क्या। आपको एक और बात बता दूं, मेरी जैसे टेलीविजन के किसी प्रोग्राम में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, मेरी एंट्री भी कुछ उसी तरह की हुई है और मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगी कुछ नई जानकारी जो बहुत पुरानी है मगर हम उससे शायद अनभिज्ञ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन तीन देशों की भाषाओं में मैं आपसे नमस्कार करूंगा जिनमें मैं रहा हूं। पूर्वी अफ्रीका का देश तंजानिया कीनिया, जहां की भाषा है स्वाहिली और उसमें हम नमस्कार को जाम्बो कहते। फिर मैं जिम्बाब्वे में रहा, दक्षिण मध्य अफ्रीकी देश, वहां की भाषा स्वाना, मैं आपको मकाडीनी कहता हूं। और फिर बोत्सवाना, जहां मैं एज ए चीफ इंजीनियर 19 साल रहा, सेत्सवाना भाषा, और वहां की भाषा में आप सभी को डुमेला। क्या आप जानते हैं कि राम और रामायण से संबंधित अनेक संदर्भ आज भी अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद हैं? पहले सेशन में एक संदर्भ उन्होंने माली और सोमाली का दिया था, हम उसे और आगे ले जाएंगे। रामायण कालीन समय में शायद अफ्रीका महाद्वीप रावण की रक्ष संस्कृति का एक हिस्सा था, तभी माली और सोमालिया, जो आज भी माली पश्चिमी अफ्रीकी देश है आज भी है, और सोमालिया पूर्वी अफ्रीकी देश है जो आज भी है। सोमाली रावण के नानाश्री का नाम था और माली उनके भाई थे। उत्तरी अफ्रीकी देश मिश्र, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको जरा अफ्रीका का नक्शा लाए। उत्तरी अफ्रीकी देश मिश्र, जिसे हम अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, ये शायद अजपति का अपभ्रंश है। अज श्री राम के दादाजी यानी राजा दशरथ के पिताश्री का नाम था। इजिप्ट के सारे महान शासक जिन्हें फारो कहा जाता है, जिनकी याद में पिरामिड और टेंपल्स आज भी बने हुए, हजारों साल के मंदिर आज भी हैं, उन राजाओं के नाम थे रामसेस वन, रामसेस टू, रामसेस थ्री, रामा और ईस, राम भगवान रामसेस। आज भी इजिप्ट के पुरातत्ववेत्ता इस संबंध में चर्चा करते हैं और इजिप्ट के संग्रहालयों में इसके साक्ष्य मौजूद हैं। मैंने अफ्रीका में बहुत ट्रेवल किया है, बहुत सारे देश देखे हैं और मेरा जो प्रेजेंटेशन है उन व्यक्तिगत बातों पर आधारित है जो मैंने अनुभव की हैं, लोगों से बात की है, उनसे पूछा है। इजिप्ट के राजाओं के सबसे प्रमुख अस्त्र में धनुष बाण ही है और वो आज भी इजिप्ट के संग्रहालय में और जो वहां प्रतिकृतियां बनी हुई हैं उनमें देखे जा सकते हैं। इजिप्ट की महान नदी नील, राम के मुख्य अभियंता नील, जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया, ये चित्र मैं आपको बाद में नासा से लिए कुछ चित्र हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा, नील नदी के नाम पर। लीबिया, लुबिया से लीबिया हुआ, राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से जुड़ा है। लगभग 40 वर्ष पूर्व नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका ने सूडान, पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान, सूडान का पुराना नाम था शिवदान, वहां कुछ पुरातत्व संबंधी खोजें कराई और जो कुछ खनन में प्राप्त हुआ, महल, बर्तन, बहुत सारी चीजें, उन्होंने उस सभ्यता का नाम दिया किंगडम ऑफ कुश, कुश राजा राम के पुत्र। पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, ये कन्या का ही अपभ्रंश है, कन्या हमारी देवी का नाम है। और अब आते हैं हम दक्षिणी अफ्रीकी देश बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, एक विशाल रेगिस्तान इन तीनों देशों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा हिस्सा बोत्सवाना में है और उस रेगिस्तान का नाम है, ये सारे मैप में अभी आपको दिखाऊंगा,
उस विशाल रेगिस्तान का नाम है काला हरि। हरि का रंग क्या है? श्याम। प्रभु हरि के ही अवतार हैं श्री राम। इसी रेगिस्तान के एक छोर पर जेम्स बॉक नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका से हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं और वो इस बात को शायद जानते होंगे। जेम्स बॉक नेशनल पार्क जो बोत्सवाना में है और साउथ अफ्रीका से इसकी बाउंड्री मिलती है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है माता। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में एक छोटा सा बहुत खूबसूरत शहर है जिसका नाम रामचंद्र जी के भाई शत्रुघ्न पर है। जैसे हमारे यहाँ कई लोग आधा अक्षर नहीं बोल पाते, जबलपुर को भी पहले अंग्रेज जबलपुर कहा करते थे, शत्रुघ्न को वो शत्रुघ्न कह के बुलाते हैं। मैं इन शहरों में गया हूँ, मैं जिन जिन जगहों के नाम ले रहा हूँ ये सब जगह मैंने देखी हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही रामसगेट नाम का एक अन्य कस्बा है और रामस्कॉप नामक एक वन्य पुष्प संरक्षित उद्यान भी है। अब हम आते हैं बोत्सवाना जहां मैं 19 साल रहा। यह तो पूरा देश राममय है, हर पुरुष को रा कह के बुलाते हैं वहां की भाषा, हर स्त्री को मां कह के बुलाते हैं, रामा। प्रकृति और पुरुष, सारा संसार इसी से बना है, तो वो तो पूरा देश ही राममय है। आगे ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया इन देशों के बारे में। नेक्स्ट, स्वाटरघन। साउथ अफ्रीका में एक सेटलमेंट है, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेजेस में जी को हा प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं गणेशा, पुकारते हैं हनेशा, और नाइल का मैंने आपको बताया ऑलरेडी। नेक्स्ट, ये मैं उस राम सेतु की बात कर रहा हूं, ये नासा के पिक्चर्स हैं जो रामचंद्र जी के चीफ इंजीनियर नील ने बनाए थे, जिनके नाम पर नील नदी है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कालाहारी, बोत्सवाना। बोत्सवाना में ऐसे अनेक शहर, गांव, कस्बे हैं जिनके नाम राम से आरंभ होते हैं, हजारों लोगों के नाम राम से आरंभ होते हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूं, वहां का चीफ इंजीनियर था, बहुत घूमता था, काम ऐसे थे। मैं बहुत सारी जगहों पर रात को रुका और एक हमारी कल्ट सी होती थी कि हमें वहाँ के ट्राइबल चीफ से मिलना होता था, और जब हम उनसे मिलते थे और पूछते थे कि आपकी भाषा में राम और सीता इन शब्दों का क्या मतलब है, जो जवाब मिलता था उससे हमारी छाती फूल जाती थी। जवाब मिलता था ये हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं, मगर हम इन शब्दों से अपने आप को जोड़ना अच्छा मानते हैं, इनसे समृद्धि आती है, इनसे प्रसिद्धि आती है, यह राम की महत्ता है। आज के जमाने में झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप चाहें तो अपने एंड्रॉइड फोन पर गूगल पर जाकर इन जगहों को तलाश कर सकते हैं। हजारों नाम है, मेरे पास बोत्सवाना की टेलीफोन डायरेक्टरी है, मैंने मित्रों को दिखाई है, पढ़िए कितने नाम है राम से आरंभ होते हैं। एक बड़ा पॉपुलर नाम है रामासिया, सरनेम है ये। शहरों के नाम देखिए, रामतलबामा, ये बॉर्डर पोस्ट है साउथ अफ्रीका के साथ, रामोगुनामी, रामोगुआना बॉर्डर पोस्ट विद जिम्बाब्वे, रामोस्वा ये वहां का जो साउथ ईस्टर्न हेडक्वार्टर का शहर है। आश्चर्य की बात, कल परसों के प्रवचन में पूजनीय श्याम देवाचार्य महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हम यहाँ जबलपुर में कर्क रेखा के पास बैठे हुए हैं, केंद्र बिंदु है ये, हम आपको मकर रेखा की तरफ ले चलते हैं, और मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा नक्शे से कि कैसे हिंदुस्तान अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये सिमिलरिटीज ऐसी नहीं है, इनके पीछे बहुत खोज करने की आवश्यकता है। बोत्सवाना देश के मध्य से मकर रेखा जाती है, जहां से मकर रेखा जिस घाटी से गुजरती है उस घाटी का नाम वहां के लोग श्री रोमे वैली कहते हैं, वो श्री राम वैली नहीं है तो और क्या है। यहां का केंद्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हमारे शहर के पास से गुजरती है और बोत्सवाना में मकर रेखा। मैं अक्सर
जब ट्रेवल करता था तो मैं उस पॉइंट पर रुकता था थोड़ी देर के लिए और सोचता था कि ये नाम यहाँ कैसे आए। एक और बोत्सवाना के उत्तर में एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे का नाम है सटायु। कहिए जटायु का अपभ्रंश तो नहीं? ये बहुत बड़ी थ्योरी है, समय नहीं है, मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मुझे 15 मिनट में अपनी बात कहनी है, मगर इस पर मैं घंटों आपसे बात कर सकता हूँ। मैंने अपनी एक थ्योरी बनाई है कि ये कैसे हुआ होगा, मगर वो फिर कभी बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत सारे नाम जो व्यक्तियों के नाम हैं, सब में राम लगा हुआ है, अफ्रीकन नेम है। मैं यहाँ वहाँ रहने वाले भारतीयों की या वो भारतीय जिनकी कई जनरेशन वहाँ से, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं अफ्रीकन ओरिजिन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि इन नामों से जुड़ना हमारे लिए फख्र की बात है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, उत्तर बोत्सवाना में फ्रांसिस टाउन उनका शहर, उसके पास एक कस्बा है, उस कस्बे का नाम है मात सीता माँ। हमने दिया माता को इतना आदर, मात सीता माँ। बोत्सवाना का स्टेट हाउस राष्ट्रपति भवन को जो मुख्य सड़क जाती है उस स्ट्रीट का नाम है मात सीता माँ स्ट्रीट। यहाँ एक औरंगजेब स्ट्रीट हटाने से दिल्ली में लोग हंगामा करते हैं, यहाँ एक राम एंड मैनी सेट्सवाना लैंग्वेज, क्या कुछ कनेक्शन है कि खोजना है। डजंट स्टिमुलेट अवर थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, क्या ये हमें आंदोलित नहीं करता कि हमें इस पर और खोज करना चाहिए। शुडंट वी डू सम रिसर्च एंड टेस्ट एनी हाइपोथेसिस, मे बी वी विल हैव एन आंसर वन डे। अब हम उस आंसर की ओर हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं। नेक्स्ट, आज की दुनिया जैसी हम देखते हैं सात महाद्वीप ऐसी पहले नहीं थी। ये उस समय की दुनिया है जो सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे और इन पूरे कॉन्टिनेंट का एक नाम था, जुड़ा हुआ नाम इस भूलैंड का, इस मास का, पेंजिया। और इस पेंजिया के दक्षिणी हिस्से को, नेक्स्ट आप देखिए, इसमें फिर से इसमें देखिए अफ्रीका से इंडिया जुड़ा हुआ है बैगनी कलर में। नेक्स्ट, उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहते थे। आज दुनिया में गोंडवाना वर्ड सिर्फ हम जबलपुर और महाकौशल के लोग यूज करते हैं। हमें फक्र होता है कि हम गोंडवाना लैंड में, बहुत पुरानी नर्मदा घाटी में हुई हैं, दो दो तीन तीन हजार मीटर के उन्होंने वो निकाले हैं और उससे पता लगता है कि ये भूमि कितनी पुरानी है, गोंडवाना लैंड। इसमें सारे ये महाद्वीप देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इनसे जुड़ा रहा। कब तक जुड़ा रहा, कैसे आज की स्थिति पर आया। नेक्स्ट, करीबन 225 से 250 मिलियन, एक मिलियन यानी 10 लाख, 225 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व परमियन युग में सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे और उसके बाद लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइसिक पीरियड में ये पृथ्वी का विखंडन आरंभ हुआ। जो पहला चित्र है उसमें सब जुड़े हुए हैं, दूसरे चित्र में विखंडन आरंभ हो रहा है, फिर तीसरा चित्र है लगभग 135 मिलियन ईयर्स अगो इसका विखंडन जारी रहा। इंडिया दक्षिणी गोलार्ध से निकलकर उत्तर की ओर जा रहा है और फिर लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटिशेसियस पीरियड युग में इंडिया की पोजीशन दिखाई गई है। आज जो नक्शे में हम भारत को देखते हैं वो लगभग 10 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा हुआ है। हिमालय आज भी एक्टिव है। भारत का पश्चिमी तट, जैसा कि आपने देखा, पूर्वी अफ्रीका के तट से जुड़ा था, आज भी दक्षिणी एवं पश्चिमी भारतीय वनस्पति अफ्रीकी वनस्पति से मिलती है। जिस तरह की बैलेंसिंग रॉक्स के लिए जबलपुर प्रसिद्ध है, सेम बैलेंसिंग रॉक्स
बोत्सवाना में, जिम्बाब्वे में और शायद कहीं कहीं साउथ अफ्रीका, उत्तरी साउथ अफ्रीका में भी मिलती हैं। कुछ और चीजें वहां की जनजातियों, हमारी जनजातियों, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, इन सब के खान पान, आचार व्यवहार, रूप रंग बाल में बहुत समानता है। We will conclude, please. बस आखिर बात कहके मैं समाप्त करूंगा। हमारे पुराणों में मेरु पर्वत का वर्णन आता है। मेरु पर्वत पुरानी दुनिया में मध्य में दिखाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, नेक्स्ट, ये अफ्रीका का आज का नक्शा है। नेक्स्ट, ये मैंने अफ्रीका के नक्शे में सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट को बताया है। नेक्स्ट, ये मेरु पर्वत की लोकेशन है हमारे पुराणों में जो आता है। मैं इस पर्वत के फुटहिल्स पर गया हूं, अरुषा शहर इसके पास बसा हुआ है। नेक्स्ट, यहां हम मॉरिशस की पोजीशन बता रहे हैं। मॉरिशस शायद मारिच से जुड़ा हुआ नाम है। नेक्स्ट, ये बोत्सवाना कालाहारी डेजर्ट, सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व वहां दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, और ये सौट्रघन शत्रुघ्न साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में जो शहर है उसकी लोकेशन मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले कि मैं स्टीफन नेप जी को आमंत्रित करूं, छोटा सा परिचय दे देता हूं कि आप क्रिश्चियन फैमिली में आपका जन्म हुआ और आपने बड़े ही तन्मयता से बाइबल का अध्ययन किया, लेकिन फिर भारत का योगा और इसकी भगवत गीता उनको खींच के ले आई और उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी ऐसी प्रभुपाद जी से भी दीक्षा